ओम शांति। 29 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। अपनी बुद्धि को इतना बिजी रखो अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ संकल्पों में, श्रीमत में, ताकि आपके मन में व्यर्थ के लिए जगह ही ना बचे, है ना। लक्ष्य को इतना मजबूत बना दो कि व्यर्थ के लिए आपको जगह ना बचे। और आपका बाबा कहते हैं ना, श्रीमत पर चलते चलते आपके स्वप्न भी शुद्ध हो जाएं, स्वप्न में भी आपको कभी अशुद्धता ना रहे। इसी तरह यही श्रीमत यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सकोगे। प्रश्न है मुरली का, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी। उत्तर में बाबा ने कहा, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए, किसके दर पर। फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह है सब बातें हो ना सके, ना श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो है सतयुग का प्रिंस, गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमपिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है, सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रायः लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर में सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। सतयुग का प्रिंस कृष्ण ने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं। जब वह राजयोग सीख रहे, पढ़ाई पढ़ रहे, जब सतयुग का प्रिंस बनने के लिए जो प्रलब्धि प्राप्ति के लिए उन्होंने जो मेहनत करी, जो पढ़ाई, जो पुरुषार्थ किया, उस समय वो कोई और है, कोई और रूप नाम रूप है, और जब राज्य पाया तब वो है। यह सिद्ध कर बताना है। अब जो ब्रह्मा बाबा हैं जिनकी आत्मा कृष्ण की तैयारी के लिए पढ़ रही है, तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा का रात बाबा ने कहा है, तो बाबा कहते हैं कि यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन है ही एक बाप, अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है, क्योंकि अभी वही आत्मा पतित बनी वही पावन बनेगी। पतित पावन आकर के पावन बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं यह समझाना है कि दुनिया का प्रिंस अभी वह पावन बन करके बनेगी,
यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर वन है ही गीता, सर्वशास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाकी माता को अडॉप्ट करते हैं ना, गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। तो अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? तो यह किसको पता है? और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है, यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है, यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है जो श्रीमत पर नहीं चलते, उनको धारणा हो ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो पहले। तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आयासो कह देते। बिगर अर्थ भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए, है ना। कोई शांति पाठ रखवाते हैं, कोई बड़े बड़े यज्ञ रखवाते हैं, कोई इंद्र देवता को खुश कर रहे हैं, बरसात नहीं हो रही है, फसलें नहीं उगती हैं, हाँ तो उसके लिए पूजन पाठ करवाते हैं, कहते हैं कि हे सूरज देवता बारिश करवाओ, हे बादलों बारिश करवाओ, हे इंद्र देवता खुश हो जाओ, बरसो बरसो, हाँ मेघा बरसो, ऐसे करके बहुत कुछ करते हैं। बाबा कहते शांति के लिए शांति पाठ आदि रखते, हवन आदि हवन पूजन आदि करते, संगठन तौर पर करते। तो बाबा कहते कि अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। अब रावण राज्य में है, जिनके बाबा कहते हैं कि जब दुनिया में रावण राज्य हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर जब पांच विकारों रूपी रावण का राज्य होता है, तब वो आत्माएं सभी दुखी होकर के उस सुख के सागर को, उस निराकार भगवान को जो अलग अलग तरह से उनको नाम रूप से पहचानते जानते मानते हैं, लेकिन यथार्थ तो बाबा के ही बच्चे जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक मनुष्य आत्मा दुख से जब मुझ एक परमात्मा को पुकारती है, तो मैं इस धरा पर ब्रह्मा तन का अवतरण लेता हूँ। यही कृष्ण की आत्मा भी है जो पतित बनती है, फिर इसे मैं पढ़ाकर इसके 84 का चक्र मैं समझाता हूँ, तब फिर इसके मुख के द्वारा मैं ही ब्राह्मणों को रचता हूँ, और फिर शिवालय की जो स्थापना होती है वो मैं ही करवाता हूँ, दीदी धर्म देवी देवता धर्म की स्थापना। तो मैं सबसे पहले आकर के यहाँ जो बाबा कहते हैं कि मैं रचता बाप हूँ ना, तो बाबा ने कहा भी है कि कभी भी शिवरात्रि नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि परमात्मा जब अंधेरी रात में आता है तो इस संसार में दुख का बोलबाला होता है, तो हर कोई पुकारता। लेकिन इसे फिर लोगों ने कह दिया है कि परमात्मा कण कण में है, कण कण में मैं नहीं हूँ, लेकिन हर एक बच्चा मुझे याद कर रहा है। और ये देखो प्रकृति भी जो सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान हो गई है, दुख देने वाली है। तो अभी तो इस संसार में चारों तरफ हाहाकार, लड़ाई झगड़े अशांति नफरत, तो ये सब जो है ये तो आपके ही विकारों से हुआ है। तो अब मैं इसे खत्म करने आया हूँ, तो मैं कण कण में नहीं हूँ, कण कण में मैं होता
तो फिर ये इतना जास्ती दुख होता नहीं और मुझे पुकारने के लिए किसी की बुद्धि फिर ऊपर नहीं जाती, नीचे ही रहती। परमात्मा को जब याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है ना। तो पापा कहते हैं इस तरह से जो गीता के भगवान को कह दिया ना कृष्ण, तो इस तरह से फिर गड़बड़ हो गया। अब सभी शांति तो चाहते हैं, अब शांति तो मनुष्यों के हाथ में नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सभी बुलाते हैं, हाँ कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं है। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव, राजा राम। अब वह राम तो है नहीं, और जब राम है तब रावण नहीं, और जब रावण है तब राम नहीं। लेकिन राम को इस रावण राज्य में आना जरूर पड़ता है कुछ एक समय के लिए, है ना, ज्ञान देने के लिए। तो झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं। अब यह कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ, भगवान उवाच में श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भागवत गीता के गीता है सब शास्त्रों की महिमा। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, यह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन थी? क्राइस्ट। उनको माय बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो बात वहां है नहीं। यह तो यहाँ माता पिता है, कृष्ण ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। बाबा ने आकर के त्रिमूर्ति की रचना की ना, इसीलिए बाबा कहते भी हैं। तो बाबा कहते हैं यह कोई नहीं जानते, कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बड़े परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। लौकिक में भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो खुद नहीं पढ़ सकते हैं, माता पिता से, आसपास के फ्रेंड से, और जो भी मतलब बहुत कुछ हम सीखते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए तो टीचर चाहिए ना। यदि आपको शरीर निर्वाह तो कुछ करना है तो आपका जो टारगेट है तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी तो उन्हीं से जाके पढ़नी है। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, है ना। तो इस तरह से कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उसके पास तो ज्ञान हुआ पड़ा है, देने वाला तो यहाँ देता है, तो वो कैसे दे सके। तो यह तो गुप्त है ना, बाबा कहते। तो यह राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया, किस्मत आप ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, गुरु क्या देते हैं, गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। गति और एक सदगति मुक्ति और जीवन मुक्ति सुख और शांति। तो एक है जहाँ सुख रहेगा, है ना, जीवन तो रहेगा लेकिन सुख रहेगा, क्योंकि हम अपने सोल कॉन्शियस आत्मा रोल कर रही है ऐसा वहाँ पे
माँ हमको ध्यान में रहता है, त्रेतर से वो बात हम भूल जाते हैं ना, तो ये दिखने वाले शरीर के उसमें आ जाते हैं, जबकि असलियत नहीं है। असलियत तो वही है जो हम सतयुग और त्रेता में प्राप्ति करते हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह बातें कोई भी समझते नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह है, एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग में मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता, मंदिरों में जाने से मैं नहीं मिलता, दान करने से मैं नहीं मिलता। हाँ, बाबा कहते हैं बड़े बड़े स्वीट के डब्बे दे करके आ जाओ किसी को, तो मैं उससे थोड़ी ना मिलता हूँ, तो मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि कर सदगति दाता हूँ। वाया गति, बाबा कहते मैं जाकर फिर सदगति में आना है। पहले बाबा कहते गति में अर्थात शांति की दुनिया में, फिर वहाँ जाकर फिर सदगति लेने बाबा कहते हैं मैं आना है वापस जीवन में। तो सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, नहीं तो ड्रामा बदलता ही नहीं, ऐसे ही बना रहता। तो यह ड्रामा बना हुआ है, जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो अभी चित्र बनवाए थे, वह अब नंबर बनवा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं जो चित्र आदि बनाए हैं ना, तो ये तो सब कल्प पहले भी बनाइए, कुछ भी नया नहीं है, वह बनवा वापस रहे हैं। मनुष्य कहते हैं तीन धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है, एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, और जब देवता धर्म की टांग होती है तब ये तीन टांगें टूटी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए हिलते रहते हैं, अभी देवता की टांग टूटी तो हिलते रहते। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, अब तो एक परिवार में चार राज्य होने लगे हैं, तो आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं दुनिया की, तो छोड़ दो। तो अब बाबा कहते मैं वापस अद्वैत राज्य की स्थापना करने के लिए आया हूँ, जिसको कहते ही हैं अद्वैत राज्य। तो फिर वह एक टांग कम हो, तीन टांगें निकलती हैं, जिसमें वो कुछ भी ताकत नहीं रहती है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधन के बन पड़े हैं। अब धनी कौन हा? संस्कार देने वाला कौन, जो हमें अध्यात्म का स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं वो कौन? अब बाबा कहते हैं कि मुझे अपने ही पिता को नहीं जानते हा? जिसने धनवान बनाया, जिसने इतना ऊंचा उठाया, ऊंचते ऊंच ज्ञान दे करके ऊंचते ऊंच पदवी पर तुमको बिठाया, विश्व पर राजाई दी, जो सातवें आसमान पे इस दुनिया से दुनिया में सबको देख रहा है, लेकिन दुनिया वाले उसे नहीं देख सकते क्योंकि उसकी इतनी ऊंचाई है, परे ते परे रहने वाला, तो वो वही जाने हाँ। तो अब वो पापा कहते हैं कि उसे भूल गए ना, इसीलिए निधन के मन पड़े। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है। बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा, जो परमात्मा है जिसका बर्थ प्लेस भारत है। इस तरह बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। निराकार और साकार की बिल्कुल महिमा अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गई। अंधों के आगे बड़ी आरसी आईना रखना है, यह है ही अंधों के आगे आईना। भूल कड़ी भूल यह है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण हैं, वही फिर लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है बनते हैं। जैसी बाबा कहते हैं फिर लक्ष्मी नारायण का क्या करते हैं,
बनते हैं जो नीचे आते हैं ना, राधे कृष्ण के चित्र देखे ना पापा कहते, तो वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं जब उनकी रजो अवस्था होती है स्वयंवर के बाद। राधे अलग गांव की, कृष्ण अलग गांव की, कृष्ण के माता पिता अलग, राधे के अलग। तो पापा कहते नारायण सतयुग में है, राम सीता त्रेता में है, पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, ड्रामानुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करवाने वाला कौन है, ब्रह्मा आया कहाँ से? बाबा कहते हैं सूक्ष्म बतन में कहाँ से आया, परमपिता परमात्मा। इस तरह से परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, कोई और है, तो वह कहाँ से आया यह बातें कोई समझ नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने, श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है ना ब्रह्मा को, तो यह किसी बुद्धि में नहीं है, यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? बाबा कहते यह बेहद के बाप का क्लास है, तो प्रलय आदि दिखाकर कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं, श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह हैं, श्री कृष्ण के गुण यह हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इस भूल के कारण ही भारत में क्या हुआ है, भारत कोड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, बाबा कहते माता का, माता जो है नरक का द्वार नहीं है। तो इस वजह से बाबा कहते हैं मुरली जरूर सुनो। तो परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माताएं भी इसी तरह से फिर क्या हो रही हैं, स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, पॉइंट्स सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए ही, यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राज्य। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं, बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख अचल स्थिर स्थिर मस्त रहना चाहिए, आगे चल महिमा निकलनी जरूर है, और बहुत भारी महिमा है। बाबा कहते हैं तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कुमारी वह जो इतने जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए, कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए ना, है ना, सप्तऋषि ढूंढते हैं हम ऊपर उनके पास में, सात ऋषि सात चांद चमकने वाले ध्रुव तारा ना? तो ये जो बाबा के ज्ञान सूर्य के आसपास है ना, तो ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे ना? तो सबसे ज़्यादा तेज चमकने वाला सूर्य के साइड से, चंद्रमा के बगल से मम्मा अलग है, हाँ गुप्त है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अच्छा स्टार भी चाहिए, तो यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझ कर समझा सकते हो, उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसकी ही, इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है, यह माता पिता का माइंड है, दुनिया यह नहीं जानती। श्री कृष्ण को तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है, श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके। समझाना बहुत सहज है, गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन सारी सृष्टि का सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही
हो सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा ज्ञान के शुद्ध घमन नशे में रहकर बाप का शो करना है, कि ताकि भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव स्मृति स्वरूप बन। खुद आत्मा को निश्चय कर आत्मा में टिको, अपने स्वस्वरूप को याद करो और जो देह है उसे भूलो। हाँ फिर जो विस्मृति वाले हैं जो देह भान में हैं उन्हें ये अपना स्वस्वरूप याद दिलाओ। तो वही सच्चे सेवाधारी अपने स्मृति स्वरूप टीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा। अपने स्मृति स्वरूप टीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें कि चमकती हुई आत्मा वामणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों की स्मृति आ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहीं के सच्चे सेवाधारी। हाँ सच्चे सेवाधारी कौन है? जिनको हम ये बता पाए कि आप असल में आत्मा हो, परमात्मा की संतान है। स्लोगन है अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।